Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the sixth lecture on research philosophies and approaches. इससे पहले हमने different research philosophies के बारे में जाना, जिसमें ontology, epistemology, pragmatism, positivism, realism, interpretivism, subjectivism, objectivism, axiology, like that. आज हम approaches, research approaches के बारे में पढ़ेंगे. रिसर्च अप्रोचेस से पहले हम एक डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पैराडाइम, रिसर्च पैराडाइम के हवाले से. वैसे तो रिसर्च पैराडाइम का जो मतलब होता है, सिंपल मतलब क्या है, एक पैटर्न है, एक एग्जांपल है, एक मॉडल है. ये सिस्टमैटिकली डेफिनेशन से क्या मुराद है? अ वे ऑफ एग्जामिनिंग सोशल फिनोमेना फ्रॉम विच पार्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दीज फिनोमेना कैन बी गेन एंड explanations attempted. पैराडाइम क्या है कि हम एक सोशल फिनोमिना जो एग्जामिन करते हैं और उस सोशल फिनोमिना के एग्जामिनेशन की बुनियाद के ऊपर हम एक ख़ास किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं डिफरेंट फिनोमिनाज के बारे में. और फिर जब हमें वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, हम उनको प्रॉपर अल्फाज में एक्सप्लेन करने की जब कोशिश करते हैं, तो दैट बिकम्स अ पैराडाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि अर्थ इज राउंड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये एक ऐसा सोशल फिनोमिना है जिसको जनरली लोगों ने एग्जामिन कर लिया है और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है. लिहाजा कोई भी सोशल फिनोमिना जिसके बारे में बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन करने के बाद एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प करते हैं और उसको एग्जाम्पल या मॉडल के तौर पे जाना जाता है, जनरलाइज कर दिया जाता है, दैट बिकम्स अ पैराडाइम. इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम दो अप्रोचेस, रिसर्च अप्रोचेस के बारे में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं. नंबर वन इज डिडक्शन अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच जो है वो बेसिकली क्या है, इसके अंदर फाइव सीक्वेंटल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग थ्योरी इस्तेमाल की जाती हैं. मैं यूँ कहूँ अगर कि डिडक्टिव अप्रोच में या डिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि थ्योरी को टेस्ट करते हैं. वी ऑलरेडी हैव द थ्योरी, हमारे सामने थ्योरी अवेलेबल होती है, हम उस थ्योरी को लेके कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं और फिर उस थ्योरी के सही या गलत होने में या उसके इम्प्रूवमेंट होने के बारे में कुछ राय कायम करते हैं. इसमें स्टेजेस कौन कौन सी हैं? नंबर वन, डिड्यूसिंग अ हाइपोथेसिस. सबसे पहले एक हम हाइपोथेसिस फर्ज करते हैं, अज्यूम करते हैं. एक्सप्रेसिंग द हाइपोथेसिस ऑपरेशनली, फिर हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस. पहले हम अज्यूम करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में. नंबर थ्री, टेस्टिंग द ऑपरेशनलाइजिंग टेस्टिंग द ऑपरेशनल हाइपोथेसिस. फिर हम उस हाइपोथेसिस को ऑपरेशनलाइज करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं. एग्जामिनिंग द स्पेसिफिक आउटकम्स ऑफ द इंक्वायरी, फिर हम देखते हैं कि जब हमने उस हाइपोथेसिस की सूरत के बुनियाद पे कुछ डाटा कलेक्ट किया, उसके ऊपर मेथडोलॉजी लगाई, उसके एनालिसिस किए, जो आउटकम्स आए तो वो क्या है, उनको एग्जामिन करते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं. मॉडिफाई द थ्योरी इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो तो हम थ्योरी को इम्प्रूव करते हैं, उसमें चेंजेस बयान करते हैं और बताते हैं कि इसमें ये जो है वो इशू हैं या ये बिल्कुल ठीक है. फिर सुनिए, डिडक्शन अप्रोच में क्या करते हैं हम बेसिकली टेस्टिंग द थ्योरी पे काम करते हैं, हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं. जब थ्योरी को टेस्ट करते हैं तो उसमें फाइव स्टेजेस जो हैं वो काउंट होती हैं. कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं? नंबर वन, रिड्यूसिंग हाइपोथेसिस. सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को फर्ज करेंगे, फिर हम उनको एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर जो है वो लिखेंगे, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप. उसके बाद फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे किसी डाटा की बुनियाद के ऊपर. फिर वो जब डाटा हमारे पास आएगा तो उसके ऊपर हम स्पेसिफिक आउटकम्स जो आएंगे उनकी एग्जामिनेशन करेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, और जब एनालिसिस होंगे उसकी बुनियाद के ऊपर हम
एक राय कायम करेंगे कि जो थ्योरी हमने टेस्ट की है क्या वो ठीक है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या वो बिल्कुल सिरे से ही गलत है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि डिडक्शन अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्शन क्या हैं? नंबर वन, एक्सप्लेनिंग कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सिंपल, सबसे पहली बात यह है कि डिडक्शन अप्रोच के अंदर हम काज एंड इफेक्ट की बुनियाद के ऊपर बिटवीन द वेरिएबल्स एक रिलेशनशिप अज्यूम करते हैं। एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हम कुछ कंट्रोल्स डिफाइन करते हैं जिसकी वजह से हमारे हाइपोथेसिस जो हैं वो क्लैरिफाई होते हैं, उनकी डायरेक्शन निकलती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द रिसर्चर्स, हम रिसर्चर की इंडिपेंडेंस वहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि रिसर्चर जो है न्यूट्रल है, बायस्ड नहीं है। कंसेप्ट ऑपरेशनलाइज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, उसके बाद हम जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं डाटा में, मेजरमेंट की सूरत में लेके आते हैं, क्वेश्चनर डेवलप करते हैं, और इस तरीके से फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको फिर हम जनरलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, जनरलाइज करते हैं कि ये रिजल्ट्स जो आए हैं वो किस हद तक जनरलाइजेबल हैं, ये थ्योरी जो है वो किस हद तक सही साबित होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, या इसमें कुछ कमियां हैं, या कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं पाँच, काजल रिलेशनशिप है, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द रिसर्चर, कंसेप्ट ऑपरेशनलाइजेशन फॉर क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट एंड जनरलाइजेशन। ये फाइव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्शन अप्रोच के अंदर जो है वो आते हैं। उसके बाद हम सेकेंड अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे विच इज कॉल्ड इंडक्टिव या इंडक्शन अप्रोच बिल्डिंग थ्योरी। बिल्डिंग थ्योरी यानी कि इस अप्रोच के अंदर हम एक थ्योरी डिवेल्प करते हैं, थ्योरी अवेलेबल नहीं होती, हम नई थ्योरी की डिवेलपमेंट की तरफ जाते हैं, और पहली जो हमने डिडक्शन अप्रोच पढ़ी थी उसमें थ्योरी को टेस्ट करते थे हम। बिल्डिंग थ्योरी, हम बिल्डिंग थ्योरी को कैसे बिल्ड करते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग द वे ह्यूमन बिल्ड देयर वर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो सोशल लाइफ है, कम्युनिटी जो है, उसको किस तरीके से गुजार रहे हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे लेके चलते हैं। परमिटिंग अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, बीइंग कंसर्न्ड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट्स, यूजिंग मोर क्वालिटेटिव डाटा, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स। थ्योरी डेवलप करने के लिए, थ्योरी बिल्ड करने के लिए हम ये चार पांच चीज़ें जो है वो कंसीडर करते हैं। हम ह्यूमंस का वे ऑफ लाइफ एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व करते हैं, उनका रहने का, उनका चीज़ें समझने का तरीका जो है उसको पर गौर करते हैं, और फिर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस, अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि इसके अलावा कौन से वे ऑफ लिविंग हो सकते हैं, वे ऑफ थिंकिंग हो सकते हैं। फिर हम उस कॉन्टेक्स्ट और इवेंट के साथ आपस में चीज़ें रिलेशनशिप के अंदर जो है वो जाके देखते हैं। क्वालिटेटिव डाटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसमें इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, केस स्टडी हो सकता है। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स, और डिफरेंट किस्म के डाटा कलेक्शन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू के लिए डिफरेंट है, सैम्पलिंग के लिए डिफरेंट है, परसेप्शन के लिए डिफरेंट है, केस स्टडी के लिए डिफरेंट है, लिहाजा इस तरीके से हम थ्योरी को डिवेल्प करते हैं। राइट चॉइस ऑफ अप्रोच हेल्प्स यू टू, अगर हम सही अप्रोच चुनेंगे डिडक्टिव या इंडक्टिव, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन, हम रिसर्च डिज़ाइन अच्छे तरीके से डेवलप कर सकेंगे। थिंक अबाउट विच स्ट्रेटजीज विल वर्क फॉर योर रिसर्च टॉपिक, फिर हमें स्ट्रेटजीज का आइडिया होगा कि कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं हमारी रिसर्च के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और उसके बाद अडॉप्ट योर डिज़ाइन टू कैटर फॉर एनी कंस्ट्रेंट्स, अडॉप्ट योर डिज़ाइन टू कैटर फॉर एनी कंस्ट्रेंट्स, अगर कोई कंस्ट्रेंट्स है उसके लिहाज से हम डिज़ाइन जो है अडॉप्ट करेंगे, कुछ इश्यूज हैं उनको हम हल करेंगे, कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। लिहाजा ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं राइट अप्रोच सेलेक्ट करने में, और अगर हम सही अप्रोच सेलेक्ट करेंगे तो उससे हमारी रिसर्च जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अभी तक हमने रिसर्च दो अप्रोचेज हमने देखी हैं, डिडक्टिव और इंडिडक्टिव।